आपका रैंक कम है फिर भी जो है आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और इसी तरह के बेहतरीन ब्रांच और अच्छे कॉलेज में लेना है जिसमें कि हाईएस्ट पैकेज लगे, प्लेसमेंट लगे, ये सपना सबका होता है। तो अगर आपका रैंक 2 लाख से 8 लाख तक है फिर भी जो है आपको टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में जो है इस वीडियो के कट ऑफ के थ्रू जो है एडमिशन होगा। और जो है आपको आज हम टॉप GFTI जो है इंडिया का यहां का क्या कट ऑफ रहता है बीटेक के लिए वो आप लोगों को बताने वाले हैं। CSAB राउंड अभी चालू हो चुका है और जो है आपको चॉइस फिलिंग करना है, वो चॉइस फिलिंग आप कट ऑफ देख के ही कर सकते हो, बिना कट ऑफ देखे आपको कॉलेज अच्छा नहीं मिल पाएगा। अगर आप CS लेना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स लेना चाह रहे हैं और आपको पता नहीं है कि हमको 3 लाख 4 लाख में भी CS मिल सकता है, तो इस वीडियो में जो है हम आपको वही कट ऑफ बताने वाले हैं गवर्नमेंट कॉलेज का, जितना भी GFTI है पूरे इंडिया में, तो 23 GFTI का सारा का जो एक एक करके हम कट ऑफ बताएंगे, क्या कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ है, क्या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का कट ऑफ है, तो बिना कट ऑफ देखे आपको कॉलेज अच्छा नहीं मिल पाएगा। आपको टॉप GFTI में सबसे पहले असम यूनिवर्सिटी आता है, तो असम यूनिवर्सिटी की बात करें तो असम यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस पिछले साल जो है मिला है लगभग OBC NCL को, वो भी नॉर्मल काटा से 1,90,000 पर, 1,90,000 पर। और वहीं पे कंप्यूटर साइंस जो है SC को मिला है वहाँ पे 2,30,000 तक, और जो है वहीं पे होम स्टेट वाले के लिए ओपन में 1.5 लाख तक मिला हुआ है कंप्यूटर साइंस, और जो है वहाँ पे फीमेल EWS के लिए 3 लाख तक मिला हुआ है कंप्यूटर में। और एग्रीकल्चर में बात करें SC ST का तो 5 लाख तक कट ऑफ जाता है, सोच सकते हैं 5 लाख तक जो है आपको बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने का मौका मिल रहा है। और बात करें असम यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का होम स्टेट में EWS के लिए तो 2.5 लाख से लेके 3,60,000 तक जाता है इसका कट ऑफ। और वहीं बात करें OBC NCL के लिए होम स्टेट वाले के लिए तो 2,76,000 से 3.5 लाख मतलब 4 लाख तक कट ऑफ जाता है। और वहीं बात करें होम स्टेट SC ST के लिए तो 5 लाख तक कट ऑफ जाता है। और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें वहां पे आर्किटेक्चर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की तो वहां पे जो है 3,000 तक आपको देखने को मिलेगा। और वहीं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा में आपको होम स्टेट SC है तो जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको मशीन लर्निंग जो है 1,85,000 से लेकर 2 लाख तक मिल जाएगा। और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अगर आप बायोटेक्नोलॉजी लेना चाहते हैं ओपन कैटेगरी से हैं तो आपको 1 लाख तक एडमिशन हो जाएगा। और बायोटेक्नोलॉजी अगर वहीं लेना चाहते हैं आप तो 2,10,000 से लेकर 2.5 लाख तक आपका कट ऑफ है। और जो है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ST की बात करें तो 5 लाख तक एडमिशन होता है बायोटेक्नोलॉजी में। और वहीं पे बिरला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी मेसरा रांची में बात करें यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग की तो वहाँ पे होम स्टेट EWS अगर है आपका तो कट ऑफ जाएगा लगभग 2.5 लाख तक। और वहीं पे BIT मेसरा में सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो ये लगभग 1 लाख तक जाता है। और वहीं पे SC ST की बात कर दें तो SC ST में जो है 3-3 लाख तक बीट्स मेसरा में जो है आपका एडमिशन। अगर आपको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए SC हैं तो 2 लाख तक आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा। और अगर आपका होम स्टेट है ओपन कैटेगरी है तो आपका जो है 60,000 तक एडमिशन हो जाएगा बीट्स मेसरा में। और SC ST हैं तो 7 लाख तक आपको जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मिलने का चांसेस बनता है बीट्स मिश्रा में 7 लाख तक। और अगर बात करें वहीं पे बीट्स मिश्रा में प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल का होम स्टेट EWS हैं तो 2.5 लाख तक मिल जाएगा आपको। गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी ये भी बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में से एक है GFTI में से, तो यहाँ OBC NCL के लिए जो कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ जाता है लगभग 1,80,000 तक। अगर आप गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं ST हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदा होने वाला है, यहाँ पे 4.5 लाख तक कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। और अगर आप गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेना चाह रहे हैं तो 2.5 लाख तक आराम से मिल जाएगा, 3 लाख 3.5 लाख तक भी मिल जाता है OBC NCL में, फिर भी आपको 3.5 लाख तक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग गुरुकुल कांगड़ी में देखने को मिलेगा। और गुरुकुल कांगड़ी में अगर मैकेनिकल लेना चाहते हैं वो 4.5 लाख तक कटअप चले जाता है। कारपेट टेक्सटाइल अगर आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ भदोही में लेना चाहते हैं तो वहाँ पर 5 लाख तक कटअप जाता है। और अगर आप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुरु घासीदास में लेना चाह रहे हैं केमिकल इंजीनियरिंग ST हैं तो 5 लाख तक कटअप जाता है इसका भी। और गुरु घासीदास में आप सिविल इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं तो इसका कटअप 2 लाख तक जाता है। और अगर आप EWS हैं तो 3 लाख तक कटअप जाता है। और गुरु घासीदास में अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं SC हैं तो 3 लाख 3.5 लाख तक कटअप जाता है इसका। और अगर आप खास करके उसमें ओपन कैटेगरी हैं तो 1 लाख तक कटअप जाता है कंप्यूटर साइंस के लिए JK इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स एंड अप्लाइड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट अलाहाबाद में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी रांची। आपको कंप्यूटर साइंस लेना है ST हैं तो 3 लाख 3.5 लाख तक आराम से एडमिशन हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस एंड टेक्नोलॉजी रांची में जो है आपको अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेना है तो आराम से 1.5 लाख से 2 लाख तक मिल जाता है। और अगर आपको संत लोंगोवाल में कंप्यूटर साइंस लेना है OBC NCL है तो वहाँ भी 1 लाख तक आपको कट ऑफ चले जाता है। वहीं पर अगर आप SC ST हैं तो 2 लाख तक कट ऑफ जाता है कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए। इलेक्ट्रिकल अगर आप लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आराम से जो है 1.5 लाख से 2 लाख तक मिल जाएगा संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। अगर मिजोरम यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं तो 3.5 लाख से 4.5 लाख तक आपका मिल जाएगा। मिजोरम यूनिवर्सिटी में आप कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं तो वहाँ पे भी 1.5 लाख से 2 लाख तक मिल जाएगा।
अगर आप एसटी हैं तो 5 लाख तक आपको कंप्यूटर साइंस मिल सकता है मिजोरम यूनिवर्सिटी में। मिजोरम यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो लगभग लगभग 3.5 लाख तक देखने को मिलेगा, और वहीं पे स्किल इंजीनियरिंग ऑफ तेजपुर में जो आपको देखने को मिलेगा कंप्यूटर साइंस ओबीसी एनसीएल के लिए जो है 70,000 से 80,000 तक। वहीं पे तेजपुर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो आपको 1 लाख तक देखने को मिलेगा, वहीं पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो आपको 1.5 लाख तक देखने को मिलेगा। और बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का तो कंप्यूटर साइंस जो वहाँ पे 60,000 से 70,000 तक देखने को मिलेगा। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग अगर करना है तो वहाँ पे 60-70,000 तक कट ऑफ जाता है। वहीं पे एरोस्पेस इंजीनियरिंग अगर आप करना चाहते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से, अदर स्टेट से ओपन है, जनरल न्यूट्रल है, तो आराम से 70,000 तक मिल जाएगा। वहीं पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली का बात करें कंप्यूटर साइंस ईडब्ल्यूएस है तो 40,000 तक मिल जाएगा। वहीं पे अगर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन आपको चाहिए जेएनयू में तो आपको जो है 50,000 तक रैंक में मिल जाएगा। और अगर आपको कंप्यूटर साइंस लेना है एससी है तो आराम से 1.5 लाख तक जेएनयू में एडमिशन हो जाता है।